If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's Bawarchi Khana. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैंगो क्रीम डिलाइट. ये बहुत मज़ेदार डिज़र्ट बनता है, आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने इसके लिए क्रीम बनानी है. तो क्रीम के लिए मैंने लिया है मिल्क पैक की एक पैकेट क्रीम 200 ml. ये सारा पैक मैं इसके अंदर डाल दूँगी. और मैंने क्रीम को तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखा था और बाउल को भी 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए. और अब इससे हैंड विस्क से, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी थोड़ी देर हम इसे बीट करेंगे ताकि ये थोड़ी स्टिफ हो जाए. के लिए मैंने क्रीम को अच्छे से मिक्स किया है हैंड विक्स से. और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 tablespoon चीनी यानी कि शुगर. 1 tablespoon आप डाल दें, इसे मिक्स करें. 2 pinches ऑफ सॉल्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया है. ब्लैक पेपर 2 pinches, चाट मसाला 1/2 teaspoon, दैट्स इट. और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. क्रीम का बैटर तैयार है. अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख के मज़ीद चिल करूँगी. जब तक हमारी क्रीम ठंडी हो रही है मैं आपको बताती चलूँ. मैंने तकरीबन 2 किलो आम लिए थे और इनके चंक्स काट लिए हैं क्यूब शेप में. और ये मीठा जो है बहुत मज़े का बनता है इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ. आप चाहें तो 1 किलो आम का भी बना सकते हैं. 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी क्रीम अच्छे से चिल हो चुकी है. और अब मैं ये सारी क्रीम हमारे मैंगोज़ के अंदर डाल दूँगी. अच्छे से सारी डाल दें. क्रीम मैंने सारी ऐड कर ली, अब इसे मिक्स करूँगी. अच्छे से आप मिक्स कर लें इसे. मिक्स मैंने कर लिया, अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी, तकरीबन 1/2 ग्लास. 1/2 ग्लास मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी. अब इसे मज़ीद मिक्स करेंगे. दूध यानी कि मिल्क मैंने ऐड कर दिया. अब मैं इसके अंदर जेली डालूंगी. मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली ली है, ये आपको मैंने सिखा दी है. आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी रेसिपी सीख सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ से देख लें. या आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं. तकरीबन 2 to 3 tablespoon मैं इसके अंदर जेली ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी. इसे मिक्स करेंगे अच्छे से. इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया. हमारा मज़ेदार मैंगो क्रीम डिलाइट तैयार है. अब इसे सर्व करेंगे. एक बाउल मैंने ले लिया और इस बाउल के अंदर मैं सारा अपना डिज़र्ट ऐड कर दूंगी इस तरह से. और इसे आपने चिल करके खाना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए. आप इसे फ्रीज़र में रखिएगा, फिर इसे सर्व कीजिएगा. सारा डाल देंगे. सारा डिज़र्ट मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर जेली रखूँगी. जेली से डेकोरेट करूंगी. आप जिस मर्ज़ी चीज़ से इसे डेकोरेट कर लें इस तरह से. साइड्स पे भी हम जेली रख देंगे. जेली को मैंने सेट कर लिया ऊपर और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मैंगो चंक्स. ये साइड्स पे मैं इसके जेली के रखूंगी इस तरह से. सारे रख लेंगे. सेंटर पे मैंने मैंगो लगा लिया, अब मैं इसकी साइड्स पे भी लगाऊंगी. सो फ्रेंड्स, आवर यमी मैंगो क्रीमी डिलाइट इज़ रेडी टू ईट. आप इसे ज़रूर बनाएं इस ईद पे और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. ये बहुत मज़े की बनती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है. इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.